वो देखें उधर दूसरी पहाड़ी, ये है दत्तात्रेय जी का मंदिर। वाह, ये अभी आपने देखा कैसे अंधी माता उतर रही है, इसको देखें ऐसे लेके। अरे इसमें दोस्तों, तो अभी हम निकलने वाले हैं गिरनार के लिए। मेरे सामने देख रहे हैं पर्वत, उधर वही है गिरनार, तो हम वहाँ पे अभी जाएंगे। 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ से ट्रॉली मिल जाएगी, फिर ऑटो कर लेते हैं 6 किलोमीटर के लिए। तो ये देखो कैसे ऊपर धूप निकल चुकी है। ये अभी हम टिकट लेने आए हैं रोपवे की, विशाल गिरनार के चरणों में पहुंच चुके हैं। ये अभी हम जा रहे हैं ट्रॉली के लिए। ठंड यहाँ पे बहुत है, ऊपर हो जाएगा ठंड हो जाएगी, मतलब आधी बाजू में आ गया। देखते हैं और अभी जाएंगे आगे, बढ़िया इंतजाम कर रखा है। अभी 2020 में ही इसका उद्घाटन हुआ है रोपवे का। ये आ गया है उड़न खटोला, ये लाइन पे खड़े हैं हम। दोस्तों हम चढ़ गए हैं अभी गिरनार के लिए। वो देखो वो है उधर जूनागढ़, यहाँ से हम आए हैं 6 किलोमीटर यहाँ से। और जो ये रोपवे है ना, ये एशिया का लॉन्गेस्ट रोपवे है, 2.3 किलोमीटर लंबा। बाप रे, ये है हस्तिनापुर डैम। अभी हम मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं अम्बा माता के, ट्रॉली से उतरते ही मंदिर है, थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ के। तो अभी माथा टेकेंगे अंदर जाके, जूते जाते खोल के। ये माता अम्बा के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। मैं बैठा हूँ गिरनार माता जगदम्बा माता के मंदिर के बाहर। दोस्तों ये देखें, ये फूकने आ गए हैं आलू के साथ, इसको कुछ ऐसे खाया जाता है। देखो इसको देखें ऐसे लेके, दम है। बचपन की याद आ गई, ये फूकने खाते हुए मुझे आलू के साथ। दोस्तों अभी अम्बा जी के मंदिर से हम आए हैं इधर से। मेरे सामने देखें आप, ये गोरखनाथ जी का मंदिर, ये वाली पहाड़ी, वो देखें उधर दूसरी पहाड़ी, ये है दत्तात्रेय जी का मंदिर। वाह। तो दोस्तों अभी दत्तात्रेय जी का टेंपल दूर है, हम आधे के रास्ते में आगे होंगे। बहुत ही पुराना ये गिरनार पर्वत, हिमालय का परदादा माना जाता है इसे, इतना पुराना। ज्वालामुखी के विस्फोट से ये प्रकट हुआ था गिरनार। यहाँ से दिख रहा है अम्बा माता का मंदिर उधर तरफ, पीछे की तरफ। यहाँ से हम आए हैं, अभी जाना है ऊपर और भी। ये अभी हम गुरु गोरखनाथ जी अखंड धुनी पहुँच चुके हैं। दत्तात्रेय जी का मंदिर अभी आगे है, ये आधा रास्ता आ गया। पीछे से हम चले थे वो अम्बा जी के मंदिर से, गोरखनाथ जी की धुनी आती हुई यहीं पे। ये देखिए भगवान गणेश, ये देखें बिल्कुल ऊपर आ गया दत्तात्रेय जी का मंदिर। अब ऊपर से उतरे फिर चढ़ेंगे, अभी उतरेंगे थोड़ा और। जिनके मंदिर हम जा रहे हैं वो दत्तात्रेय जी हैं, भगवान नारायण के 24 अवतारों में से एक दत्तात्रेय मुनि। दत्तात्रेय ऋषि थे जिन्होंने अपने 24 गुरु बनाए थे। 24 गुरु का वर्णन उन्होंने बताया था, उन्होंने पहाड़ों को गुरु बनाया, धरती को बनाया, सांप को बनाया, समुद्र को बनाया, पेड़ों को बनाया, सबसे कुछ ना कुछ सीखा उन्होंने। ऐसे थे हमारे दत्तात्रेय ऋषि जिनके हम जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने 12,000 साल तक तपस्या करी। मेरे सामने देखें गुरु दत्तात्रेय चरण पादुका के लिए ऊपर रास्ता है। इधर श्री गुरु दत्तात्रेय संस्थान, इधर दूना है उनकी, कमंडल कुंड है, अन्य क्षेत्र है इसके इधर नीचे की तरफ। और ये यहाँ पे जो गुरु दत्तात्रेय संस्थान है ना नीचे, यहाँ पे फ्री लंगर की सेवा लग रही है, आप जल की सेवा, आनंद आ रहा है नीचे पूरा, इतनी ऊंचाई पे आके फ्री खाना मिल रहा है। यही तो है हमारा सनातन धर्म। हरि बोल। देखते आते पहले कमंडल कुंड देखते हैं। वो देखो ये नीचे संस्थान है ना गुरु दत्तात्रेय जी का, तो बताया मैंने लंगर वाला, ये नीचे देखे कमंडल कुंड संस्थान के नीचे। हरि बोल। वो देखो वहाँ गोरखनाथ जी का मंदिर है ऊपर।
तो गोरखनाथ जी नीचे उतर के फिर ऊपर चढ़ के तब जाके पहुंचे दत्तात्रेय जी के। हम लोग पालकी में भी जा रहे हैं, यहाँ पे पालकी का किराया लगभग 6100 के आसपास है, अंबा माता मंदिर से लेके दत्तात्रेय जी तक 2000 सीढ़ियाँ। ये देखो ऐसे लेके आते सामान पकड़ के जितनी ऊंचाई पे, तभी चीज़ें महंगी होती हैं। मुश्किल बहुत है यार, वो देखें ऊपर दत्तात्रेय जी का ऊपर देखें मंदिर वहाँ। ये अभी आपने देखा कैसे एक अंधी माता उतर रही है डंडा लेके। ये अंधी माता है, देख लें कैसे कितनी इनमें भक्ति है। तो मैंने कि यहाँ पे बात देखी, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। ये वाला है ना 70 रुपये रेट है इसके लिखा हुआ, पर इन्होंने 40 का दिया और बिस्लेरी की बोतल भी 40 की। चीज़ें तो महंगी हैं क्योंकि पहाड़ पर चढ़ाना इनको मुश्किल होता है। ये मेरी माता जी अभी थक गई हैं। हाँ जी माता जी, आप तो बड़े हौसले से आए थे। बुरा हाल है जी इनका, देख लेंगे कैसे लोगों की हालत हो रखती है यहाँ पे, और कमजोर लोगों की। आप थक गए हैं? बिल्कुल भी नहीं थके हम तो, ये तंदुरुस्त हैं मेरी तरह। ये देखिए बीच रास्ते में कुछ लोगों ने कचरा फैला दिया है, बेवकूफ लोगों ने। ये थोड़ा मैं चाहूँगा कि स्टार्टिंग में थोड़ा रोक लगाई जाए, कुछ लिफाफे ना लेके जाने जाए, जितने लेके जाएं लोग लिफाफे उसकी काउंटिंग की जाए पहले से, इस तरह से करना चाहिए सारा कुछ, थोड़ा इंतजाम करना चाहिए। यहाँ पे गंद ना फैलाएं, इतनी अच्छी जगह है, पवित्र जगह दत्तात्रेय जी की। ये अभी हम दोस्तों पहुंच चुके हैं दत्तात्रेय जी ऋषि जी के मंदिर के बिल्कुल बाहर, बहुत ही तंग रास्ता है यहाँ पे, देखें कैसे लोग ऊपर आ रहे हैं। ये है वो मंदिर की एंट्रेंस। हम अभी दर्शन करके आए दत्त भगवान जी के चरण पादुका के, आनंद आ गया जरा पीछे मंदिर मेरे। वाह हरि बोल, सीना आ गया पूरा, बहुत गर्मी लग रही है यहाँ तो, हालांकि ठंडी हवा भी आती है, धूप बहुत तेज है। ये डोगी देखो कितनी ऊपर पहुंच गया गुरुदत्त के। दोस्तों अभी हम वापस आ रहे हैं, ये देखो नीचे सीढ़ियाँ कितनी है, तीखी सीढ़ी है। अभी तो हम आए देखो पर्वत कैसे हैं ऊपर ऊपर, वहाँ पे झंडा लगा किसी का उस पर्वत में। पीछे देखे जा रहे हैं लोग, और वो रहा ऊपर मंदिर गुरुदत्त का। हम आ गए वहाँ से, चरण पादुका है वहाँ पे, गुरुदत्त के पाँव छपे हुए हैं, आनंद आ गया। हरी बोल दोस्तों, बाहर इतनी धूप थी पहाड़ पे, अभी यहाँ देखो बैठे कंदरा में एसी की तरह ठंडी हवा आ रही है, मज़ा आ गया, आनंद आ गया। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। लगभग 3200 फीट की ऊंचाई थी दत्तात्रेय ऋषि की। अभी तो वापस जा रहे हैं अंबाजी मंदिर की तरफ, वहाँ से ट्रॉली मिली। अंबाजी मंदिर तक है जो सीढ़ियाँ वो है 5500, दत्तात्रेय ऋषि तक आगे 2000, और अंबाजी से 1000 सीढ़ियाँ पहले जैन मंदिर आता है। अगर कोई ट्रॉली से आएगा तो नीचे उतर के फिर वापस आना पड़ेगा। मैंने हिसाब लगाया 15000 टोटल सीढ़ियाँ कवर करनी है आना जाना मिला के, अगर कोई ट्रॉली के बिना आए, कोई ट्रॉली के साथ आए तो 6000 करनी पड़ेंगी सब देखने के लिए। इसका मतलब 9000 सीढ़ियाँ माफ़ हो जाती हैं अगर ट्रॉली से आए तो, इतना फ़र्क पड़ता है। और ट्रॉली की टिकट 623 रुपये है, तो मेरे हिसाब से जायज़ है। बाकी अंबाजी मंदिर से यहाँ पे डोली मिल जाती है दत्तात्रेय ऋषि तक, 2000 सीढ़ियों की जाना 2000 आना, के वो डोली वाले लेते हैं 6150 रुपये। वो उनकी मेहनत तो है, वैसे जाना तो जाएगा, मेहनत तो है, महंगा है पर मेहनत है, बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल है। अभी दोस्तों धूप भी बहुत तेज है, यहाँ पे छाँव है, अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, एसी की तरह मस्त माहौल है। वो देखे माता कैसे आ रही है धीरे धीरे कछुए की स्पीड से चल के वहां से ऊपर से। हरे कृष्णा दोस्तों, अभी हम अंबा माता के मंदिर पहुंच गए हैं, यहाँ पे भी स्टॉल पे बैठे हैं कुछ नींबू पानी पीने के लिए। दत्तात्रेय जी की चढ़ाई चढ़ के हम आ गए हैं। हमारी तरफ नैना देवी जी का मंदिर है, उससे डबल होएगी अंबे माता से दत्तात्रेय जी की, डबल से भी ज़्यादा होएगी, ज़्यादा होएगी है ना, डबल से भी। बहुत कठिन चढ़ाई, सीधी चढ़ाई थी। मेरी मम्मी का देखें बैंड बजा हुआ है, ओह नाटक देखें। नानी जी अभी यहीं मिली हमें, लेटी हुई थी बेड पे। मेरा और डैडी का प्लान ये है कि हम जैन मंदिर भी जाएंगे, 1000 सीधे जाने को 1000 सीधे आने को, पर मम्मी और नानी तो कहीं नहीं जाएंगे, हम दोनों चले जाएंगे। उसके बाद फिर लोकल एक्सप्लोर करते हैं जाते हुए रास्ते में, जूनागढ़ जाते हुए बलराम जी के मंदिर, गीता मंदिर, अशोक पत्थर में जो अशोका जी ने अपना ज्ञान लिखा है वो जरूर देखेंगे हम। चलो मिलते हैं अभी नींबू पानी पीले। हरे कृष्णा। अभी हम जा रहे हैं जैन मंदिर, ये अंबा मंदिर थोड़ा सा नीचे जाके है 1000 सीढ़ी, और यहाँ से देखो कैसे रोपवे दिख रहा है पूरा,
नीचे ये कुछ कई मंदिर दिख रहे हैं जैन मंदिर में, जाके एक्सप्लोर करते थोड़ा कौन कौन से मंदिर है वहाँ पे। ये अभी हम पहुँच गए नीचे, ऊपर रास्ते में दिगंबर संत श्री बंडी लाल जी का मंदिर आया था, शूट नहीं किया वहाँ पे हमने। अभी हम नीचे पहुँच के देखते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। तो जैन मंदिर देख के वापस आ रहे हैं। 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी महाराज थे अंदर विराजमान, दर्शन कराए, अभी ऊपर चढ़ रहे हैं वापस। और बाकी बहुत छोटे छोटे मंदिर थे यहाँ पे, सही में तो नहीं जा पाए, पर देखो कुछ स्ट्रक्चर ना मंदिर का, देखो सोमनाथ जैसा लग रहा है मेरे को, दहलीज भी सोमनाथ जी जैसी, सुनो सोमनाथ जी की याद आ गई। वापस चढ़ेंगे, कम से कम 45 मिनट लग जाएंगे चढ़ने में, फिर वहाँ से हमें ट्रॉली लेनी है वापस। चलो मिलते हैं, चढ़ते हैं अभी तो। हरे कृष्णा। फाइनली दोस्तों हम वापस पहुँच चुके हैं जैन मंदिर से, नींबू पानी पिया तब जाके थोड़ा सिर ठंडा हुआ, थोड़ी देर में निकलेंगे उड़न खटोले में। अभी वापस हम नीचे जा रहे हैं ट्रॉली के अंदर, वो सामने जैन मंदिर देखो जो काले रंग का है ना बीच में, ये है मेन मंदिर जो नेमिनाथ जी का, यहाँ जाकर आए। कुंड भी है इधर एक, मैंने देखा था, जो सारा जो जंगल है ना ये गिर का इलाका आता है सारा। ये है वो सीढ़ियाँ, अगर कोई सीढ़ियों से आता है ना यहीं से आएगा वो, जैसे शेडो बन रही है हमारी ट्रॉली की। वैसे 8 लोग आते हैं इस ट्रॉली में, हम 7 बैठे हुए हैं। ये सामने वाले कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। और भाई नमस्ते आंटी। वैसे रोपवे का जो टाइम है वो सुबह 7 बजे से लेके टिकट का टाइम शाम के 5 बजे तक है, 5 बजे का रोपवे बंद हो जाती है। अगर कोई 5 बजे के बाद फंस गया वहाँ तो भैया 9000 सीढ़ियाँ उतर के आना पड़ेगा खड़ी सीढ़ियों से। अभी हो गए 4:30 और हम तो नीचे आ गए हैं। मम्मी और नानी को शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तब तक हम यहाँ पे पींग ले रहे हैं। रास्ते में 3 मंदिर और देखेंगे फिर होटल जाएंगे। और जो टिकट काउंटर है वो यहाँ पे रोपवे से 1/2 किलोमीटर पहले ही है, 500 मीटर। तो पहले टिकट वहाँ से लें और फिर यहाँ पर आएँ। और दूसरी बात, जैसी टिकट लें उसकी फ़ोटो जरूर खींच लें। अगर टिकट बाई चांस गुम गई तो भैया ऊपर से फिर पैसे दे के आना पड़ेगा रोपवे के। हमारे यहाँ से यही हुआ, हमारी टिकट खो गई, पापा मोबाइल निकाल रहे थे फोटो खींचने के लिए, मंदिर के गले में टिकट फेंक दी। जगह भी क्या ढूंढी, कहाँ कभी निकले ही ना, गले में फेंक दी। पहाड़ी से फेंक दी फिर भी कहीं चांस सा फंस जाती, गले में किसी का चाबी नहीं। तो बाय चांस हमने उसके 10 मिनट पहले ही फोटो खींच ली थी टिकट की आप लोगों को दिखाने के लिए। तो वो फोटो दिखा के उसमें QR कोड था, तो वो स्कैन करके हम आ गए, बच गए वाल वाल। नहीं तो रगड़ा हमारा कम से कम 1500 का रगड़ा रह जाता ये फालतू का। ज्यादा नहीं, एक वन साइड की कम है टिकट, वन साइड की टिकट 450-450 की है, 2 साइड की टिकट 650 की है, 623। तो इस तरह से हम आए वापस, मजा आ गया भैया। गिरनार था हमारी चेकलिस्ट में, गिरनार पर्वत हो गया, बड़े चिर से हम सोच रहे थे कि गिरनार जाना है, गिरनार आनंद आ गया। इसको बोलते क्या है, हरा पिस्ता, हरा पिस्ता। हाँ, जैसे हरे बादाम होते हैं ना। हाँ, जैसा ये हरा पिस्ता। कितने निकलते हैं, एक में से दर्जन निकलते हैं, 12। अच्छा 12। ये क्या है भैया, नारियल है ये? नहीं, ताड़गुला है भैया। ताड़गुला, ताड़गुला क्या होता है? आप कहाँ से हो? पंजाब से। पंजाब में निकलता होगा शायद, है क्या ये? इसमें से क्या निकलता है? एक में से 3 निकलता है, जो नारियल की मलाई खाते हो ना उसकी तरह लगता है वो, तो हम खाते हैं। हाँ दिख रहा है यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ, जय अम्बा। ठीक है भैया, तो हमने अभी ये दर्शन किए अम्बा जी मंदिर के। भक्तों ये है भवनाथ महादेव का मंदिर गिरनार तलहटी में। यहाँ मैंने सुना कि शिवरात्रि के दिन सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पे नागा साधु आते हैं जंगलों से निकल निकल के, इतनी महिमा है इस मंदिर की भाई, इतना बड़ा शंख तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो दोस्तों हम 2 किलोमीटर आगे चले गए थे, अभी याद आया कि मेरा ट्राईपोर्ट स्टैंड यहीं छूट गया है। तो बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ यहाँ की ये लगी मुझे रोपवे की, कैमरा अलाउड है, फ़ोन अलाउड है, सब वाली चीज़ अलाउड है, सिर्फ सेल्फी स्टिक ट्राईपोर्ड ये चीज़ें अलाउड ही नहीं है। कह रहे कि आप ट्रॉली से बाहर हाथ निकाल के सेल्फी स्टिक सेल्फी ले लोगे, इसलिए हमने बंद कर दिया। हमने सोचा क्या था? सही रीज़न हो, जब देखा तो वो जो ट्रॉली होती है वो तो बंद पड़ी है हर तरफ से, वहाँ से कौन हाथ निकालेगा। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ गिरनार में स्थित श्री राधा दामोदर रेवती बलराम जी के मंदिर में। ये बलराम जी के ससुराल हैं, रेवती जी का मायका है ये जूनागढ़ के अंदर। इसी स्थान के ऊपर बलराम जी की शादी हुई थी रेवती जी से। थोड़ा आगे जाके दर्शन करते हैं।
इसी स्थान के ऊपर भगवान के अनन्य भक्त नरसिंह मेहता जी ने भी भजन किया था। जब वो भजन करते थे ना, दामोदर कुंड के अंदर ही स्नान करते थे। यह वो दामोदर कुंड, यहाँ पे लोग अस्थियों का भी विसर्जन करते हैं। यहाँ पे अस्थियाँ जो डालते हैं, पूरी अस्थियाँ गल जाती हैं गंगा जी की भांति। ये जो सामने आप श्री विग्रह देख रहे हो ना, ये हैं श्री नरसिंह मेहता जी। देखो कैसे भजन कर रहे हैं, ठाकुर को मना रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कुंड हैं। ये देखो एक और कुंड है, रेवती कुंड। यहाँ पे क्या नज़ारा है देखो आसपास। राधा दामोदर मंदिर के तीन तरफ पर्वत हैं, बीच में ये मंदिर है। देखो यहाँ पे कछुए दिख रहे हैं नीचे। वाह, श्री राधा दामोदर मंदिर के बिल्कुल साथ में है ये मुचकुंद गुफा। ये राधा दामोदर मंदिर है और इसके बिल्कुल साथ में मुचकुंद गुफा। मुचकुंद जी के बारे में आपने श्रीमद् भागवत महापुराण या महाभारत सीरियल के अंदर देखा होगा ना, जिन्होंने काले वन को जलाकर भस्म कर दिया था, जैसे वो सोए हुए थे गुफा के अंदर, भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में आके छिप गए थे। ये वही गुफा है, यहीं पे भगवान श्री कृष्ण छिपे थे। और मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं, ये मुचकुंद जी जो द्वापर में थे ना, यही कलयुग में नरसिंह मेहता के अवतार में आए थे। जय हो अन्नपूर्णा माता, हरि बोल। कश्यप भगवान के दर्शन हर जगह है यहाँ पे, हरि बोल। दर्शनों का आनंद लीजिए आप मंदिर के, फिर आगे चलते हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विषय। तो दोस्तों हम आगे भी बहुत सारे मंदिरों में गए, जैसे ये है गायत्री मंदिर, यहाँ हमने माथा टेका आरती की, बागेश्वरी मंदिर, स्वामी नारायण जी के मंदिर में भी हम गए, बहुत आनंद आया। गोपाल जी आश्रम गए, हर जगह दर्शन खूब आनंदमय तरीके से किए और फिर वापिस आ गए। हरे कृष्णा दोस्तों, अभी मैं वापिस आ चुका हूँ होटल में। हमने आज गिरनार तलेटी देख ली, मेरा चित्त प्रसन्न हो रहा है सोच सोच के दत्तात्रेय ऋषि के बारे में। और उसके बाद हमने वो जगह भी देख ली जहाँ पे बलराम जी और रेवती की शादी हुई थी। उसके बाद सबसे ऊपर मुचकुंद गुफा देख ली, जहाँ पे काले वन को जलाकर भस्म कर दिया था मुचकुंद जी ने, भगवान के परम भक्त मुचकुंद। और उसके बाद हम कई कुछ और मंदिर जाकर आए, स्वामी नारायण मंदिर, बहुत सारे मंदिर गए, वापिस आ गए। अब हम थोड़ा सोए, आराम करें। बहुत सीढ़ियाँ चढ़ी हैं आज हमने, बहुत सीढ़ियाँ उतरी हैं। आनंद आ गया जी, जीवन का एक और दिन भगवत कार्य में लग गया, और क्या चाहिए। हरि बोल। और कल मेरा मन है कि मैं फिर से रेवती और बलराम जी की वो शादी जहाँ पे हुई थी उस स्थल पर जाऊँ, कुछ देर वहाँ पे गुजारूँ, महसूस करूँ, मुचकुंद जी के यहाँ जाके कुछ महसूस करूँ। ये मेरा कल का प्लान है। और शाम को देखेंगे, अगर जू वगैरह जाया गया तो वहाँ भी चले जाएंगे। बाकी ऐसा कुछ प्लान नहीं है, कल आखिरी दिन है हमारा गुजरात में, फिर परसों सुबह की फ्लाइट है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, वॉज अ ग्रेट डे गाइज। हरि बोल, हरे कृष्णा।